ये होलसेल वाला देखिए। सिटी वाइन। ओह माय गॉड। आगे। देखो नया। उधर कारोबार। 69 to 699 ये देखो। देख दे गुरु कितना चलती पब्लिक बहुत है इधर। नी एक चीज देखिए हमारे इधर मैं देख सकता हूँ जैसे कि बहुत जरूरत बेचना है। हेलो दोस्तों नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं तुम्हारा भाई नीरज गुसाई फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुसाई ऑफिसर में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। और आज जैसे ही मैं उठा ड्यूटी के लिए रेडी हुआ और ड्यूटी भी पहुँच गया तो मुझे पता चला है कि मेरा ऑफ है आज। और जैसे कि मैंने प्लान बनाया क्यों ना आज हैदराबाद फिर से घूमा जाए, हैदराबाद को थोड़ा विजिट किया जाए, अच्छे तरीके से जाना जाए हैदराबाद सिटी में, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इस सिटी के बारे में। तो पिछली बार आपने देखा होगा मैं एक मार्केट गया था जो कि जुमरात मार्केट था, और आज मैं एक मार्केट और जाना चाह रहा हूँ जो कि मेरे जहन में बहुत टाइम से है। और वहाँ मेरे कोई पहचान का मिल गया था जो कि मेरे ही साथ जॉब करता है था, मतलब पहले जॉब करता था, और अब वो हाँ मतलब शॉप खोल रखी है बंदे ने, तो बोल रहा था कि आजा घूमने अच्छी जगह है जो कि मुझे वहाँ घुमाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि वो मार्केट है। वो मार्केट का नाम मैं बाद में बता दूंगा, और तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। और मैं रेडी हो चुका हूँ, बस जाने की देरी है, तो चलते हैं फिर आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या है मेरी लाइफ की जर्नी। आज हैदराबाद में अकेले सफ़र करना जा रहा हूँ, तो मेरे पास गूगल मैप है तो गूगल मैप से तो मैं जा ही जाऊँगा। तो देखते हैं आज किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है नए जगह जाने का, जो कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। सबसे यहाँ पे जो किस कंडीशन से गुजरना पड़ता है, यहाँ लोग हिंदी बहुत कम समझते हैं, आधे से ज़्यादा तेलुगु ही बोलते हैं। तो देखते हैं आपको मिलते हैं आप यहाँ। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग हिंदी थोड़ा कम बोलते हैं, तेलुगु हमें आती नहीं है, तो तेलुगु में ही ज़्यादातर लोग समझते हैं। तो यहाँ कोई चीज़ हमारे इधर उत्तराखंड में कुछ अलग तरीके से, जैसे कुछ चीज़ें हैं तो वो चीज़ें कुछ अलग बोलते हैं और यहाँ कुछ अलग बोलते हैं तेलुगु में, तेलुगु लैंग्वेज में। तो देखते हैं मिलते हैं आपको फिर दिखा दें। और यहाँ पर मैंने कुछ चिल्लर कर लिए हैं बस ऑटो का किराया, तो लेट्स को दोस्तों मिलते हैं आगे, आपको मार्केट दिखाया जाता है किस तरीके का है। और यहाँ पे हमें दिख गया है एक मंदिर, तो मैं रुक रखा हूँ ऑटो के लिए जो कि पहले से लोग हैं यहाँ, देख सकते हैं आप कितनी बड़ी हाईवे, फुल हाईवे देख सकते हैं NH 44 जो कि पहले भी बताया मैंने। और मैं ये रहता हूँ यहाँ पे मंदिर से गली जाती है सातम राय वाली। तो फाइनली हमें मिल गए हैं भैया जो कि हमें छोड़ेंगे आरामगढ़, देख सकते हैं आप क्या व्यू है। तो मैं देख सकता हूँ जैसे कि
घर पहुंच चुके हैं। हेलो भैया। और यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। अकेले आ रखा हूँ मैं और बिल्कुल नए शहर में, कुछ पता नहीं है, सारा गूगल मैप के थ्रू जा रहा हूँ, जगहों को देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ यहाँ का। जैसे देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ की रोडवेज बसें हैं। और कितने नंबर है ये? 95। मैंने जाना है 95 वाली बस में, और यहाँ पे या 1 नंबर या 95। ये चौक है, फिर से वही एरोप्लेन, यहाँ पे आराम घर चौक जो कि क्रॉसिंग रोड के नाम से मशहूर। भैया कोटी जाना था, ये देखो मैं पूछ पूछ के जा रहा हूँ यहाँ पे किसका स्टैचू है, देख सकते हैं आप। ये देखिए क्रॉसिंग रोड यहाँ का। अब जाता हूँ दोस्तों मैं कोटी वाली 95 वाली बस पकड़नी है, जहाँ मैंने जाना है वहाँ के लिए 95 या 1 नंबर की फर्स्ट बस जाती है। तो मिलते हैं आपको आगे, दिखाते हैं बस की। मैं दोस्तों मेरे को तो पता भी नहीं है, देखो मैं ऐसे शहर में आ रखा हूँ और मेरे को क्या पता कौन सी बस कहाँ से जाती है, और देखो घूमने निकला हूँ, ये भी नया एक्सपीरियंस है। तो चलो फिर मिलते हैं आपको आगे हैदराबाद सिटी। तो चलते हैं अभी 95 वाली बस में। ये तो भयंकर तरीके से पकड़ रहे हैं यार, देखिए भाई यहाँ तो बहुत खतरनाक है यार सिस्टम, पहली बार देखा। ये देख सकते हैं आप कहाँ है अब बस 95। प्लीज आ जा तू, 95 जाना है यार। ये देख सकते हैं आप फुल ऐसे जाना है लगता है। अरे तेलुगु में लिखा है, मुझे तो पता भी नहीं है क्या लिखा है, बस इतना पता है ये देखो सारा तेलुगु में लिख रखा है। यहाँ बैठ गया हूँ मैं कोटी वाली बस में, मिल चुकी है बस। ये देखिए खड़े खड़े जाना पड़ रहे हैं यहाँ कोटी वाली बस में। नया एक्सपीरियंस मिलता है किस तरीके से हम अनजान शहर में कैसे जा सकते हैं, इतना मजा लेना बहुत जरूरी है। जब तक घूमे नहीं तब तक मजा ही है यहाँ के लोगों की देख देख, वेशभूषा, रहन सहन, खाना पीना देखना पड़ता है क्या मजा है शहर में क्या है। तो चलो फिर दोस्तों आगे मिलते हैं आपको, अभी मैं बस में हूँ क्योंकि मेरे को 95 वाली बस। चलो मैं कोटी में पहुंच चुका हूं, करने वाला जूस वाला है देख सकते यार।
मेन पिलर नंबर दुकान है, दुकान नंबर ब्लॉग है, इससे आप सेल चौसी देख सकते हैं। दोनों साइड लग चुकी है दुकानें, और ये है राइट चॉइस, देख सकते हैं आप। कैब कैब भी लूँगा बाद में तो दिखाऊंगा आपको, कैब लूँगा। जींस है जो चाहिए हर चाहिए तो मेरे को अकाउंट में कर दो और एड्रेस सेंड कर दो, मैं भेज दूँगा सस्ते से अच्छी क्वालिटी के। सेल चलती है, मैं रश बहुत ज़्यादा है इसलिए। ये देखिए थोड़ी भी ये यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी है। काश मेरी भी गर्लफ्रेंड रहती तो मैं उसे यही शॉपिंग कराता, 500 रुपये में पूरा मार्केट ही खरीद लेता उसके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं खर्च करता नहीं और यहाँ ऐसे रेट दिलाता कि तब देख सकते हैं आप घूमने आओ ऐसे जाओ देख सकते हैं दोस्तों। और ये पिलर मेट्रो का है, उसके ऊपर मेट्रो चलती है, ट्रेन चलती है, पता ही नहीं चल रहा। अब बसें लगातार आती हुई, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए देख सकते हैं आप, ये नीचे ऊपर सब जगह सेल। और अभी नीचे बड़ा मार्केट क्या दिखाऊंगा मैं, नई जगह और नया मार्केट, क्योंकि मार्केट में 36 प्रकार के लोग दिख जाते हैं हमें,
और यहाँ के दाम को देख के देख सकते हैं आप। अभी मैंने बहुत जगह विजिट करना है, यहाँ जितने दिन भी यहाँ रहूँगा आते रहूँगा। देख सकते हैं आप नीचे ऊपर ऊपर नीचे। बिना रुके और मैं वापसी जाता हूँ, आप नीचे की साइड से दिखाता हूँ। कुछ ऐसे देखता हूँ, कुछ हमारे कोटी जैन जैन का वो एरिया हनुमान जी की। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय। देख सकते हो आप हनुमान जी की बहन कर चलो अम्मा थोड़ा साइड दे ना। अम्मा तो साइड दो। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ देखो, मैंने एक नया काम शुरू करा है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये बेचना है, मैं 50 रुपये से ऊपर बेचूंगा तो मेरा बेनिफिट बनेगा ही बनेगा। तो मैं कितने की बेच सकता हूँ इसे ये देख सकते हो तुम। और मेरा इस मार्केट में बेचने अभी तक मेरे पास 8 थे और मैंने 5 बेच चुका हूँ। मैं जितने के भी बेचे बताऊँगा बाद में, लेकिन बेच चुका हूँ, प्रॉफिट में हूँ। अब देखता हूँ 3 और बेचने हैं, टास्क ये कम्प्लीट हो जाएगा मेरा। कुछ देख सकते हो आप। अम्मा 70 रुपीज़, अम्मा 70 रुपीज़ ओनली हेडफोन। अम्मा 70 रुपीज़ हेडफोन ओनली, देख लो अम्मा। अम्मा 70 रुपीज़ 70 रुपीज़ 70 रुपीज़ अम्मा अन्ना 70 रुपीज़ ओनली। अम्मा 70 रुपीज़ अन्ना, देख लो ट्राई कर लो, ट्राई करने के कोई पैसे नहीं है अम्मा। अम्मा 70 रुपीज़ अम्मा, अम्मा 70 रुपीज़ हेयरफोन, हेयरफोन 70 रुपीज़ अन्ना, देखते अन्ना, अन्ना देख लो अन्ना 70 रुपीज़, देखने के कोई पैसे नहीं है अन्ना 70 रुपीज़, देख लो अन्ना। अम्मा देख सकते हैं वही हाल है, अभी तक भेज ही भेज है। क्या है उस्ताद से फिर से ये हेडफोन अब दोबारा बेचूंगा मैंने, वो पूरे बिक चुके हैं, दोबारा आ चुका है मेरे पास। तो चलो फिर पकड़ते हैं अपने काम पे शुरू हो जाते हैं। बड़ा गाड़ी लेके आएगा, चले जाएगा पूरे गाड़ी को। इनके सारे ये देखिए, इन सब के चालान हो गए हैं। ये है भाई हैदराबाद सिटी कोटी मार्केट है, उधर थोड़ा हाइड करके ले बंद कर देगा। द बॉयज 69 2399 का फुल ऑफर चलता है इधर। द बॉयज ब्रो वाइन्स गुप्ता जी
यार बाथरूम आ रहा था आगे मेरे, मेरे को भी तो आ रहा है होलसेल में, ये ढेर सारा मेरे को पेशाब करना है। फूड तो मेरे को भी आ रहा, 12 बजे से घुसा हूँ मार्केट में, अभी तक जो मोटा नहीं हूँ अभी तक। देख टाइम 6 बज गए, 6 घंटे टाइमिंग दिया हूँ, आज का इनकम रह गया मेरा। मैं घुस चुका हूँ होलसेल वाले मार्केट में, जहाँ होलसेल ही होलसेल है। देखो मोबाइल से लेकर सब कुछ कवर मिलता है इधर। होलसेल ही होलसेल है, जो चाहिए मोबाइल है, फोन, यहाँ डाटा केबल सब है इधर, सब वो ये होलसेल वाला। देखो यहाँ पे जूस भी है, हाईटेक सिटी में भी उतनी नहीं है। हाईटेक है ना ये, मजा आ गया, मजा आ गया घूम के बाजार देख के यार, पहली बार देखा यार ये। देखो मेट्रो, मेट्रो चल रही, मेट्रो के नीचे हम देखता गुरु कितना चलती पब्लिक बहुत है इधर। नहीं एक चीज देखिए, हमारे इधर ना अपनी गाड़ी है ना चलती है ज्यादातर, इधर लोग मतलब बस बूस में भी ट्रेवल करते हैं, बहुत ज्यादा ऑटो बस बहुत चलता है इधर। वाह वाह वाह, मजा आ गया घूम के। अब हम चलते Thank you.